हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश ईरा से पहले, यानी जब ब्रिटिशर्स ने एक तरह से इंडिया को रूल करना शुरू किया, उससे पहले इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत थी, मेजर सोर्स ऑफ इनकम या मेजर इंडस्ट्री कौन सी थी, और बाद में इसका क्या इंपैक्ट पड़ना शुरू हुआ। तो बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वॉज क्लासिफाइड विद द फॉलोइंग फीचर्स। उसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रॉस्परस। प्रॉस्परस का मतलब एक तरह से कह सकते हैं आप रिच, एफ्लुएंट, ग्रेट इकोनॉमी। इंडिया बहुत कमा रही थी। इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट। इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, यानी कि इंपोर्ट्स पर डिपेंड नहीं करती थी। सब कुछ भारत का सामान जो भारतीयों को जरूरत था। देखा जाए तो उस जमाने के लोग कोका कोला नहीं पीते थे। मैं प्री ब्रिटिश इरा की बात कर रहा हूं, यानी 1757 में जो प्लासी की लड़ाई से कहते हैं कि ब्रिटिश रूल शुरू हुआ, उससे पहले के इरा की बात कर रहा हूं। 1600-1700 की अर्ली स्टेजेस। उस जमाने में लोग चाय पीते ही नहीं थे, जीन्स पहनते ही नहीं थे। बात समझ पा रहे आप? तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसी किसी चीज की इंडियंस को जरूरत ही नहीं थी। सादा जीवन था, सब कुछ इंडिया में ही बनता था, उगता था, और यहीं के लोग उसको कंज्यूम करके अपनी हैप्पी लाइफ जी रहे थे। जरूरत ही नहीं थी किसी की। सो इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी। दैट वॉज द स्टेटस। देन एग्रेरियन इकोनॉमी थी। एक और फीचर क्या था कि हमारे यहाँ के ज्यादातर लोग जो है वो किसमें लगे हुए थे? एग्रीकल्चर में। सो वी कैन से दैट इट वॉज मेनली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। बताया गया 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, यानी अगर टोटल कंट्री में उस समय 6 करोड़ लोग थे, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं, तो पॉपुलेशन कम थी सपोज, तो 4 करोड़ लोग 6 में से 2/3 एग्रीकल्चर में थे। एंड मेन हमारा जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था वो क्या था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। दैट वॉज द मोस्ट फेमस वन। इंडिया वॉज वर्ल्ड फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, हाथ से बनी हुई चीजें। आज भी देखें आप कश्मीर की तरफ जाएं तो वो जो हाथ से बने हुए शॉल, हाथ से बने हुए कालीन, स्वेटर्स या कुछ भी चीजें, कुछ कुछ अभी भी बचा है इंडिया में। तो हाथ से बनी हुई चीजों की इतनी ह्यूज डिमांड थी ऑल ओवर वर्ल्ड, जिसकी कोई क्या कहने, मतलब जिसको कहते हैं ना। कौन कौन सी फील्ड्स हम उनको हाईलाइट करें? कॉटन, सिल्क टेक्सटाइल, मेटल एंड प्रेशियस स्टोन वर्क्स, हाथी दांत की चीजें पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस थी, है ना। कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, मेटल एंड प्रेशियस स्टोन वर्क्स, तो इनकी पूरी एक वर्ल्ड वाइड मार्केट थी। लेकिन ये सब बर्बाद कर दिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी पॉलिसीज इस तरह की बनाई, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया कि द कंट्री वॉज कन्वर्टेड इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। ये इन्होंने पूरा कंसेप्ट ही उठा के उल्टा कर दिया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया जो कि हैंडीक्राफ्ट चीजों का एक तरह से एक्सपोर्टर था, उसको एक्सपोर्टर बना दिया सिंपल रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल तो समझते ना, कोई भी चीज बस जमीन से निकाली, बेसिक चीज, यूं की यूं, उसमें क्या प्राइस मिलेगा, है ना। आप जंगल से लकड़ी काट के बेचोगे क्या प्राइस मिलेगा, उसको फर्नीचर में कन्वर्ट करके बेचोगे तो कितना फर्क हो जाता है। तो एक तरह से उन्होंने लकड़ी लेके फर्नीचर हमें बेच दिया। तो लकड़ी माना ली 100 रुपए किलो, फर्नीचर बेचा एक एक पीस 10,000 का, एक करंट वैल्यूज के हिसाब से सबको समझा रहा हूं। अब सोच के देखो, पूरा देश उन्होंने इस तरह से इनडायरेक्टली लूटा। रॉ मटेरियल यहां से सारा ले गए और अपने फिनिश प्रोडक्ट्स यहां बेचने लगे। अगर हम कंट्री की बात करें तो उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की ये कैलकुलेट करने की कि इंडिया की नेशनल इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है। नेशनल इनकम हो गई टोटल, और पर कैपिटा हो गई एवरेज एक आदमी की कितनी इनकम है। तो इस पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपके लिए आ रहे हैं जो याद ही करने पड़ेंगे। अ नेशन्स इकोनॉमिक कंडीशन कैन बी वेल नोन विद द डेटा ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। किसी भी कंट्री को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसकी ओवरऑल टोटल नेशनल इनकम देखो और पर कैपिटा। मैं फिर बोल रहा हूं, पर कैपिटा का मतलब पर पर्सन, एक आदमी कितना एवरेज कमा रहा है। सो नो अटेम्प्ट वाज मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने कोशिश ही नहीं की, नो अटेम्प्ट वाज मेड टू एस्टिमेट कि भाई इंडिया की इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है। फिर भी कुछ अटेम्प्ट किए, किस किस लोगों ने, इनके ये नाम आपको जैसे मैंने कहा याद करने चाहिए कि इन लोगों ने कुछ कोशिश की कि इंडिया की ये फिगर्स कैलकुलेट करें, बट इनके जो रिजल्ट्स थे वो कन्फ्लिक्टिंग थे, इनकंसिस्टेंट थे, मतलब कि एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे। सबने अपने अलग अलग ढंग से अंदाजा लगाया। नेचुरली सरकार की तरफ से अगर सपोर्ट ना मिले तो कोई आदमी कितना कर लेगा, तो काफी हद तक वो एस्टिमेटेड ही थे, तो वो फिर बहुत ज्यादा पर्पज वो सर्व नहीं कर पाए।
तो किस किस ने किया ऐसा? दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिडले श्रीरस, वी के आर वी राव एंड आर सी देसाई, इन लोगों ने कोशिश की। लेकिन फिर भी बोला जा रहा है कि जो डॉक्टर राव के एस्टिमेट्स थे वो कुछ इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आप अगर सारे नाम स्टूडेंट याद रख लें तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो एटलीस्ट आप ये जरूर याद रखें कि जो एस्टिमेट्स उस जमाने में डॉक्टर राव ने किए वो कुछ काम के थे। जहां तक ग्रोथ का सवाल है, इंडिया की ग्रोथ बहुत ही लो थी, बहुत ही कम थी। तो मेजर स्टडीज रिवील्ड दैट कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 1900 की जो शुरुआत थी, 1900 कुछ से लेके 1947 में तो इंडिया आजादी हो गया, तो फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी 1901 से लेके 1947 तक आप समझ लो, वॉज लेस देन 2%, यानी नॉट इवन 2%। तो आप समझ सकते हैं कि इसको देख के कि हमारी कंट्री उस समय ब्रिटिश कंट्रोल में, ब्रिटिश रूल में ग्रो ही नहीं कर रही थी। और पर कैपिटा जो एक आदमी की इनकम है वो भी, उसकी ग्रोथ कितनी थी? 0.5%। सोच के देखो, 10,000 अगर एक आदमी एक साल में एवरेज कमा रहा है, उस जमाने के हिसाब से तो फिगर लो लूंगा मैं, बट सपोज आज की तारीख में, तो 10,000 की ग्रोथ कितनी है? 1% भी नहीं, 0.5%। तो यानी कि बेसिकली इंडिया वॉज स्टेग्नेंट, देर वॉज नो ग्रोथ एट ऑल इन द ब्रिटिशर्स। वो सिर्फ अपने आप को प्रमोट कर रहे थे, इंडिया को बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर रहे थे और कुछ काम नहीं कर रहे थे। एक बार फिर से यहां पर हम डेफिनेशन देख लेते हैं जो मैंने गूगल से सर्च करके लिए आपके लिए शेयर की है। नेशनल इनकम मींस द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, यानी टोटल कितना माल बना, कितने की सर्विस दी गई, है ना। अब जैसे कोरियर वाले की सर्विसेज है, सिनेमा हॉल की सर्विसेज हैं, कोचिंग वाले की सर्विसेज हैं, ये मैं लेटेस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज हैं, रेलवेज की सर्विसेज हैं यानी ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज, बैंकिंग की सर्विसेज हैं। तो ये सर्विसेज की भी टोटल वैल्यू और प्रोडक्ट्स की, तो आप समझते हैं जो भी प्रोडक्ट्स जो हैं उस समय जो भी सेल हुए, कंज्यूम हुए, मैन्युफैक्चर हुए। तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, दैट इज द टोटल ऑफ नेशनल इनकम, और ये एक साल का हमने लिया। और पर कैपिटा इनकम, जैसे मैंने कहा, एवरेज इनकम पर कैपिटा पीसीआई और एवरेज पर कैपिटा इनकम, ये हमारी मेजर कर रही है। ये इसको किसी भी सिटी, रीजन, कंट्री के लिए कर सकते हैं, एक साल के लिए आमतौर पर ये कैलकुलेट होती है। और इसको हम कैसे करेंगे? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। नेचुरली एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लें बिल्कुल ही एब्जर्ड फिगर्स के साथ, सपोज पूरी कंट्री की इनकम 1,000,000 हो और वहां 1,00,000 लोग रहते हो, तो एवरेज इनकम कितनी भी 10 रुपए, है ना। एक मैंने बहुत सिंपल छोटी फिगर लेके आपको समझाने की कोशिश की, राइट। तो स्टूडेंट्स, वीडियो से आप पढ़ने से लिए मैं आपको दो ही चीजें बोलूंगा, एक पहले असाइनमेंट को पढ़ें और फिर वीडियो देखें, और दूसरी चीज अगर कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो वीडियो में उसको दोबारा देख लें, और फिर भी ना समझ में आ रही हो बेहिचक मुझे नंबर्स पे आप संपर्क करें, डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू।